नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपकी अपनी YouTube चैनल राजस्थान बेरोजगार छात्र संघ पे। दोस्तों, राजस्थान बेरोजगार छात्र संघ को सब्सक्राइब या सब्सक्राइब है, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ लाइक और शेयर करना न भूलें। यहाँ दोस्तों मैं बता दूं कि गुरुवार यानी कि आज सुबह 11 बजे राजस्थान विधानसभा में बजट पेश होने जा रहा है, जिसमें राजस्थान के जो मुख्यमंत्री है वो 33 बड़ी घोषणाएं कर सकते हैं। कौन सी ये 33 बड़ी घोषणाएं इस वीडियो में जानेंगे, तो दोस्तों वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप दोस्तों इसमें देख रहे हैं वीडियो में, राजस्थान के मुख्यमंत्री गुरुवार सुबह 11 बजे राजस्थान विधानसभा में वित्त वर्ष 2020-21 का बजट पेश करेंगे। इससे पहले सुबह सीएम गहलोत ने वित्त विभाग के अफसरों की मौजूदगी में बजट को अंतिम यहाँ पर रूप दे दिया है। अब सबकी निगाहें बजट भाषण पर टिकी है। सीएम गहलोत के बजट में इस बार गांव, गरीब, युवा और महिलाओं पर फोकस रहने वाला है। बजट में सामाजिक क्षेत्र, कृषि, इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्रों में कई घोषणाएं हो सकती हैं। अर्थव्यवस्था की मंदी से निपटने के लिए स्थानीय स्तर पर संभव उपाय बजट में किए जा सकते हैं, जिसके तहत स्थानीय उद्योगों और बाजारों को बढ़ावा देने के कई प्रावधान हो सकते हैं। औद्योगिक निवेश को बढ़ावा देने के कई प्रावधान शामिल हो सकते हैं। इसके अलावा युवाओं के लिए नौकरियों का भी यहाँ पे ऐलान हो सकता है। शिक्षा, चिकित्सा, पुलिस, ग्रामीण विकास में नई भर्तियों की घोषणा यहाँ पे हो सकती है। इसके अलावा दोस्तों मुख्यमंत्री ये घोषणाएं कर सकते हैं। कौन कौन सी घोषणाएं हैं? नए औद्योगिक क्षेत्रों की घोषणा, पिछड़े क्षेत्रों में नए औद्योगिक, पहला जो घोषणा है वो नए उद्योग लगाने की घोषणा यहाँ पे कर सकते हैं पिछड़े क्षेत्रों में। दूसरी जो बड़ी घोषणा है, स्कूली इंफ्रास्ट्रक्चर को सुधारने के लिए यहाँ पे घोषणाएं कर सकते हैं। नई स्कूल खोलने के साथ कक्षा कक्ष बनाने और स्कूल में नए भवन के बजट में होगा प्रावधान। कई विभागों में भर्तियों की घोषणा संभव, जैसे पुलिस, शिक्षा, चिकित्सा, कृषि, ग्रामीण विकास में नई भर्तियों की घोषणा हो सकती है। इसके अलावा अंग्रेजी माध्यम के मॉडल सरकारी स्कूलों की संख्या बढ़ाई जा सकती है। खिलाड़ियों के लिए प्रोत्साहन पैकेज, नए खेल की घोषणा संभव। ग्रामीण क्षेत्र में स्वरोजगार के लिए स्किल डेवलपमेंट में जोर। बसों में महिलाओं की सुरक्षा के लिए दिल्ली की तर्ज पर मार्शल नियुक्त करने के पायलट प्रोजेक्ट की घोषणा संभव। किसानों को बकाया बिजली कनेक्शन देने की घोषणा संभव। एग्रो प्रोसेसिंग उद्योगों को बढ़ावा देने की घोषणा संभव। नई मंडियों, यार्डों की घोषणा संभव। ऑर्गेनिक कृषि को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहन पैकेज यहाँ पे संभव। स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए और युवा उद्यमियों के लिए घोषणा संभव। तंबाकू उत्पादों पर नया सेस लगाने की घोषणा संभव। नई सड़कों की घोषणा, नए स्टेट हाईवे बनाने की घोषणा, जिला सड़कों और ग्रामीण सड़कों के लिए मरम्मत। इसके अलावा ग्रामीण क्षेत्रों में नई पीएससी सब सेंटर खोलने की घोषणा। अस्पताल में डॉक्टरों, नर्सिंग स्टाफ के खाली पद भरने के लिए समयबद्ध कार्यक्रम की घोषणा यहाँ पे। महिला स्वयं कार्यकर्ता समूह को बढ़ावा देने की घोषणा। सिंचित इलाके बढ़ाने की घोषणा। बिजली के नए ग्रेड स्टेशनों की घोषणा। इसके अलावा नई लघु चिकित्सा सिंचाई परियोजना का ऐलान संभव। ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल संकट दूर करने के लिए प्रोजेक्ट। इसके अलावा बड़े शहरों को भिखारी मुक्त बनाने की घोषणा। बजट की समस्या के समाधान में पर बजट में घोषणा संभव। बजरी की समस्या पर पुलिस आधुनिकरण और पुलिस थानों में सुविधा बढ़ाने पर घोषणा। नए थानों और चौकियों की घोषणा। जयपुर मेट्रो का काम आगे बढ़ाने पर घोषणा। इसके अलावा प्रशासन, गांव के संघ और शहरों के अभियान की घोषणा। संभाग मुख्यालय के लिए विकास बजट में कई घोषणाएं हो सकती है। ट्रांजिस्टर के कल्याण की योजना संभव। यूनेस्को हेरिटेज क्षेत्र घोषित जयपुर परकोटा के लिए नई घोषणा। प्रदेश में पर्यटन विकास के लिए नई नीति या प्रोजेक्ट का ऐलान संभव। इसके अलावा टूरिज्म आदि को बढ़ावा देने के लिए बजट में यहाँ पे प्रावधान हो सकते हैं। तो दोस्तों ये लगभग 33 बड़ी घोषणाएं आज मुख्यमंत्री कर सकते हैं। इसके अलावा मैं बता दूं, युवाओं के लिए यहाँ पे नौकरियों की घोषणा कर सकते हैं। संविदा कर्मचारियों के लिए जो नई भर्तियों में है प्रावधान हो सकते हैं बोनस अंकों के। इसके अलावा संविदा कर्मचारियों का जो मानदेय है वो 15% से 25% तक बढ़ाने की यहाँ पे घोषणा हो सकती है बजट में। जी हाँ दोस्तों, सरकारी कर्मचारियों के लिए डीए की घोषणा हो सकती है। ये दोस्तों जानकारी मिली है कि बजट में जो है युवाओं के लिए खासा प्रावधान जोड़ा है। जनता क्लिनिक बनाने के लिए दिल्ली की तर्ज पे, जैसे दिल्ली में मोहल्ला क्लिनिक होती है वैसे ही राजस्थान में जनता क्लिनिक बनाने पे यहाँ पे जोर दिया जाएगा। इसके अलावा
जो मैं बता दूं, चिकित्सा, पुलिस, शिक्षा, कृषि, ग्रामीण विकास में नई भर्तियों की घोषणा हो सकती है। ग्रामीण विकास में जो लगभग 5000 पद पिछले बजट में घोषित किए थे, उसमें लगभग SSR भर्ती की घोषणा यहाँ पे हो सकती है दोस्तों। SSR भर्ती को 2013 की जो सरकार ने विड्रॉ कर ली थी, पूर्ववर्ती भाजपा सरकार ने, उसकी घोषणा यहाँ पे हो सकती है। लंबित भर्तियों को लेकर यहाँ पे घोषणा या यहाँ पे एक प्रस्ताव पारित हो सकता है दोस्तों आज। इसके अलावा संविदा कर्मचारियों को नई भर्तियों में बोनस अंक देने की यहाँ पे घोषणा हो सकती है। किस प्रकार से दिया जाएगा वो बजट में आज 11 बजे पता चलेगा। इसके अलावा दोस्तों मैं बता दूं, संविदा कर्मचारियों की जो मानदेय में 15 से 25% तक की बढ़ोतरी यहाँ पे हो सकती है। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को अपने दोस्तों के साथ लाइक और शेयर करना न भूले, और आपके अपने यूट्यूब चैनल राजस्थान बेरोजगार छात्र संघ को सब्सक्राइब या सब्सक्राइब। धन्यवाद दोस्तों।